हाय गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ दयाशंकर, यू वाचिंग पैथोलॉजी नॉलेज। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कोविड एंटीबॉडी टेस्ट के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि कोविड एंटीबॉडी टेस्ट क्या है, भारत में कितने तरह का कोविड एंटीबॉडी टेस्ट प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, इन टेस्टों में से कौन सा टेस्ट यूजफुल है और कौन सा टेस्ट यूजलेस है, पोस्ट वैक्सीनेशन या पोस्ट इन्फेक्शन आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए और इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोविड एंटीबॉडी टेस्ट क्या है। देखिए, जब भी कोई वायरस, बैक्टीरिया या पैथोजेंस हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। यही सेम सिचुएशन कोविड के टाइम पे होती है। जब आप कोविड से इन्फेक्टेड होते हैं, वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो उस टाइम पे जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी डेवलप करने लग जाता है। तो अब बात करते हैं कि भारत में कितने तरह के कोविड एंटीबॉडी टेस्ट अवेलेबल हैं प्रेजेंट टाइम में। देखिए, भारत में अभी कोविड के लिए 4 तरह के एंटीबॉडी टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है कोविड IgG एंटीबॉडी, दूसरा है कोविड एंटीबॉडी टोटल, थर्ड नंबर पे है आपका एंटी स्पाइक एंटीबॉडी और फोर्थ नंबर पे है आपका कोविड न्यूट्रलाइज एंटीबॉडी। तो अब एक एक करके मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। देखिए, जब कोई पर्सन कोविड से इन्फेक्टेड होता है तो इन्फेक्टेड होने के बाद अराउंड 2 वीक्स बाद, यानी 14-15 डेज बाद, उसकी बॉडी एंटीबॉडी डेवलप कर देती है और वो एंटीबॉडी कोविड IgG एंटीबॉडी के नाम से जानी जाती है। दूसरा है कोविड एंटीबॉडी टोटल। कोविड एंटीबॉडी टोटल जो है वो बेसिकली उसमें IgM और IgG दोनों का मिक्सअप होता है। उसमें ये क्लियर नहीं होता है कि आपकी बॉडी में IgG एंटीबॉडी है या IgM एंटीबॉडी है। वो दोनों एंटीबॉडी जो भी कोविड के अगेंस्ट बनी है उनको काउंट करने के लिए किया जाता है। देखिए, जो IgM एंटीबॉडी होती है वो इन्फेक्टेड होने के बाद 5-6 दिन बाद डेवलप होने लग जाती है और वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। तो वो एंटीबॉडी भी आपके इसमें, जो अगर आप कोविड एंटीबॉडी टोटल कराते हैं तो वो एंटीबॉडी भी आपके हो सकती है और IgG एंटीबॉडी भी हो सकती है। वो अलग अलग उनकी वैल्यू नहीं होती है, दोनों की मिक्सअप में वैल्यू आती है। तो उसमें आपका ये क्लियर नहीं होता कि अभी आप प्रेजेंट में इन्फेक्टेड हैं या आप पास्ट में इन्फेक्टेड हुए थे, बस सिर्फ ये पता चलता है कि आप कोविड से इन्फेक्टेड हुए थे। तो अब बात करते हैं थर्ड नंबर, एंटी स्पाइक एंटीबॉडी। देखिए, एंटी स्पाइक एंटीबॉडी है ये बेसिकली वो एंटीबॉडी होती हैं जो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट बनी हुई एंटीबॉडी होती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पाइक एंटीबॉडी की ही आपको रीडिंग बताती हैं कि आपकी बॉडी में स्पाइक एंटीबॉडी कितनी है। थर्ड नंबर का है आपका न्यूट्रलाइज, कोविड न्यूट्रलाइज एंटीबॉडी। ये भी एक तरह से स्पाइक एंटीबॉडी की तरह होती हैं, ये स्पाइक प्रोटीन पे जाके चिपक जाती हैं और वायरस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। तो अब बात करते हैं कि कौन सा टेस्ट यूजफुल है और कौन सा टेस्ट यूजलेस है। देखिए, उसके लिए आपको थोड़ा सा कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर और इसको कैसे ये हमारी बॉडी से सेल्स में एंटर करता है ये जानना पड़ेगा। देखिए, कोरोना वायरस का आप अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें कई तरह के प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें ऊपर आप नुकीला चोंचदार देख रहे होंगे, उसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। जो सबसे ऊपर रहता है उसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। उसके बाद इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और एनवलप प्रोटीन होता है और न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन होता है। तो इसमें ये कई तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। देखिए, जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पाइक प्रोटीन का ही सहारा लेता है। स्पाइक प्रोटीन हमारे जो लंग्स में लगे रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि इस वायरस को हमारी बॉडी में ऐसी कहीं कोई जगह नहीं होती है जहां से ये घुस सके। सिर्फ जो हमारे लंग्स में रिसेप्टर लगे होते हैं जिनसे हमारी बॉडी में प्रोटीन विटामिन वगैरह जाते हैं, वो जो रिसेप्टर होते हैं ACE2 रिसेप्टर उनको बोलते हैं,
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर होते हैं, उन पे जाके ये जो स्पाइक प्रोटीन है, वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है वो जाके चिपक जाता है और इस प्रोटीन को ये हमारी बॉडी का यूजफुल प्रोटीन समझ के उसको अंदर ले लेता है और अंदर जाके ये वायरस अपना जो आरएनए मटेरियल होता है उसको छोड़ देता है और रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये वायरस में ना रहे या इसको किसी तरह से हम ख़त्म कर सकें या लॉक कर सकें तो ये वायरस हमारी सेल्स में एंटर नहीं कर सकता। तो जो आईजीजी एंटीबॉडी होती हैं तो उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं होता है कि वो जो स्पाइक एंटीबॉडी की रीडिंग है या न्यूक्लियोकैप्सिड के अगेंस्ट की एंटीबॉडी की रीडिंग है। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में आपने कोविड आईजीजी टेस्ट कराया और आपकी बॉडी में इनफ एंटीबॉडी आई, मतलब आप एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आया, उसमें काफ़ी सारी आपकी एंटीबॉडी आई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नेक्स्ट टाइम इन्फेक्टेड नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है वो जो एंटीबॉडी है वो न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हो, वो आपकी स्पाइक एंटीबॉडी ना हो, क्योंकि उसमें ऐसा क्लियर नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि स्पाइक एंटीबॉडी नहीं होती हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड के अगेंस्ट एंटीबॉडी होती हैं, जिससे क्या होता है कि इंसान दोबारा इन्फेक्टेड हो जाता है। ऐसे ही टोटल जो एंटीबॉडी टेस्ट है उसमें भी सेम है, उसमें आईजीएम और आईजीजी की रीडिंग दी होती है, उसमें स्पेसिफाई नहीं होता है कि वो जो हमारे बॉडी में इंटर करने वाला जो पार्ट है जो कोविड का, उसको लॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जो स्पाइक प्रोटीन है उसको लॉक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं होता है। थर्ड नंबर का जो आपका एंटी स्पाइक एंटीबॉडी है, बेसिकली ये स्पेसिफिक जो स्पाइक प्रोटीन होता है उसी को लॉक करने के लिए एंटीबॉडी बनती है हमारी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में जो स्पाइक प्रोटीन इनफ है तो आप दोबारा से इन्फेक्टेड नहीं हो सकते इतनी जल्दी जब तक आपकी बॉडी में वो प्रेजेंट है। फोर्थ नंबर का न्यूट्रलाइज एंटीबॉडी है, वो भी स्पाइक प्रोटीन की तरह होता है, वो भी आपका वायरस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, स्पाइक प्रोटीन पे जाके चिपक जाता है और वायरस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो अब बात करते हैं कि आपको पोस्ट इन्फेक्शन या फिर पोस्ट वैक्सीनेशन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। देखिए, अगर आप पोस्ट इन्फेक्शन या पोस्ट वैक्सीनेशन टेस्ट कराना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी वो प्रेजेंट हैं जो वायरस से लड़ सकें, वायरस को हमारी बॉडी में इंटर होने से रोक सकें, तो आपको स्पाइक एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए या फिर न्यूट्रलाइज एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। अगर आप आईजीजी एंटीबॉडी टोटल कराते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि अगर आप पोस्ट वैक्सीनेशन कराते हैं तो पोस्ट वैक्सीनेशन जो हमारी वैक्सीन लगती है, जो कोविशील्ड वैक्सीन लगती है, उसका सिर्फ पर्पज़ ही यही है कि हमारी बॉडी में जो एंटी स्पाइक एंटीबॉडी हैं उनको डेवलप किया जाए। तो जब भी हम वैक्सीन लगवाते हैं उसके बाद अगर हम टेस्ट कराते हैं, देखिए वैक्सीन का अगर आप फर्स्ट डोज लेते हैं तो आपको 2 हफ्ते के बाद टेस्ट कराना चाहिए, और अगर आप सेकेंड डोज लेते हैं तो उसके 1 हफ्ते के या 2 हफ्ते के बाद ही आपको टेस्ट कराना चाहिए, तभी हमारी बॉडी में ये जो स्पाइक एंटीबॉडी है वो डेवलप हो पाती है। तो आपको एंटी स्पाइक एंटीबॉडी या फिर न्यूट्रलाइज एंटीबॉडी कराना चाहिए, ना कि आपको ये आईजीजी और टोटल कराने चाहिए। ये बिल्कुल यूजलेस हैं, क्योंकि इनको कराने के बाद भी आपका जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो सकता, तो इनको इनमें पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर कराना ही चाहते हैं तो आपको एंटी स्पाइक एंटीबॉडी या फिर न्यूट्रलाइज एंटीबॉडी कराना चाहिए। तो अब बात करते हैं एंटी स्पाइक एंटीबॉडी के रिजल्ट इंटरप्रिटेशन की। देखिए, इसका जो रिजल्ट इंटरप्रिटेशन है, इसकी वैल्यू ऑब्जर्वेंस यूनिट पर एमएल में दी हुई होती है। ये 50 एयू पर एमएल इसकी नॉर्मल वैल्यू बोलते हैं कि मोर देन 50 एमएल होना चाहिए। अगर 50 ऑब्जर्वेंस यूनिट पर एमएल से कम है तो इट मीन्स ये नेगेटिव है, आपकी बॉडी में वो डेवलप नहीं हुई है। और उसके अगर ऊपर है तो ऊपर कितना भी अगर है तो वो अच्छा है। ऐसी अभी इसकी कोई भी ऐसी कट ऑफ वो नहीं है कि इतनी एंटीबॉडी अगर होंगी तो आप इन्फेक्टेड नहीं हो सकते या मतलब इतनी रिक्वायर्ड है, ऐसा अभी तक कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है। गैस, अगर आप दिल्ली NCR से बिलोंग करते हैं, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, यहाँ से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट इस टेस्ट को बुक कर सकते हैं।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।